हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड लव। आज की वीडियो में मैंने बनाए हैं अमृतसरी छोले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं काबुली चने और फिर मैंने उसे अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक कर दिया है और फिर मैंने उसके बाद उसमें ऐड किया है सॉल्ट, नमक, कुकिंग सोडा 1/8 टीस्पून और उसके साथ ही एक टी बैग। इससे छोलों में बहुत ही अच्छा कलर आता है। और इन सारी चीज़ों में मैंने पानी ऐड कर इनके गलने तक इन्हें प्रेशर कुक किया है। तो देखिए छोलों में कितना अच्छा सा कलर आया है। तो अब मैंने यहाँ पर लिए हैं अपने बाकी के सभी इंग्रेडिएंट्स, कोरिएंडर पाउडर 3 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, टोमेटोस 2 or 3 एंड 1 बिग साइज ऑनियन। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल गर्म किया है और मैंने इसकी फ्लेम मीडियम ही रखी है और मैंने टमाटर और प्याज का भी पेस्ट बना लिया है, उसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है इसमें। गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टर्मरिक पाउडर। अब इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है और मैं इसमें छोले ऐड करूंगी। अभी सिर्फ इसमें छोले ही ऐड करने हैं और उसका पानी बाद में ऐड करना है। और अब मैंने इसमें छोलों का स्टॉक भी ऐड कर दिया है और फिर मैंने इसे बॉईल किया है थोड़ी देर और अब मैंने इसे एक विसल आने तक कुक किया है मीडियम फ्लेम पर। और फिर मैंने इन्हें एक सर्विंग डिश में पोर किया है और गार्निश किया है जिंजर जूलियंस, कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिलीज से। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।